गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी निकल रहे हैं, 9:30 बजे का फ्लाइट है। ये जो सीरीज चालू होने वाला है शिमला मनाली का, तो इसमें दिखाएंगे। और पहला जो वीडियो होगा वो सब डिटेल्स होगा, कितना फ्लाइट का चार्जेस क्या है, फ्लाइट कहाँ से कहाँ लिया है, ये सब का देखते रहिए। सीरीज बहुत अच्छा लगेगा। गाइस ऑन बोर्ड हो गए हैं, अभी फ्लाइट तो चलने वाला है, अभी बोर्डिंग चल रहा है और फ्लाइट में सब कुछ बोर्डिंग चल रहा है। कोलकाता CCU एयरपोर्ट, अभी दिल्ली में पहले लैंड होगा हम लोग, तो दिल्ली में जब लैंड होंगे उसके बाद वहाँ पे दूसरा फ्लाइट पकड़ना है। 30 to 33.5 आवर्स कुछ ऐसा गैप है, तो उसमें हम लोग वहाँ पे जो एयरपोर्ट है एयरपोर्ट को भी थोड़ा बहुत देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, फ्लाइट पहले टेक ऑफ होता है। गाइज अभी फ्लाइट पूरा टेक ऑफ होके बहुत ही ऊपर है, देख पा रहे हो कि स्काई के ऊपर है ऑलमोस्ट। और हम लोगों ने जो है 2 टी, कार्डिमम टी और 1 कुकीज़ का पैक, बहुत ज़्यादा महंगा है। जो 1 कुकीज़ का पैक पता नहीं कितना पीसेस होगा और 2 कार्ड लेके टोटल 300 रुपीज़ का हम लोगों को बिल हुआ है। खाने से अच्छा तो यहाँ पे पानी पीना फ्री है, पानी बहुत ही अच्छा दिया, बेली का 2 बोतल दिया है, देखिए पूरा एकदम फ्रेश शील्ड वाटर, बहुत अच्छा है ये, बहुत फैसिलिटी मुझे अच्छा लगा। और लेग स्पेस जो है मेरा वाला तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और क्योंकि मैंने जो स्पेशल फ्लाइट है वो बुक करवाया था, तो जो फ्लाइट है फ्लाइट में स्पेशल सीट मैंने अलग से प्राइस दे के बुक करवाया था। टोटल प्राइस जो है वो मैं बोल दूंगा कि कितना होता है। तो और अभी देख पा रहे हो केबिन क्रू लोग जो है सब खाना वाना सर्व कर रहे हैं, मैं बाकी कुछ नहीं लिया, बस पोहा उपमा शायद लूँगा, एक भूख तो लगा है बहुत देर का, देखते हैं। तो गाइस मैं कुकीज़ एक बार खोल के देखता हूँ कुकीज़ में कितना है, और ये सील पैक मैंने खोला है, देखो ये होता है लड़कियों का खाना, लिपस्टिक लगा के इन लोगों का खाना, कोई पीना भी नहीं चाहेगा। और ये है कुकीज़, सब काम हम लोगों को ही करना पड़ता है तो इसीलिए थोड़ा बहुत इधर उधर गिर पड़ जाता है। जस्ट मिनट, खोल के देखता हूँ। वाओ ये घर में चाय पत्ती रखने में काम आ जाएगा ये बॉक्स, नहीं रियली में बहुत ही अच्छा है। और कुकीज़ जो है मैं एक बार फाड़ के देखता हूँ, कुकीज़ जो है देखने में तो बहुत ही अच्छा है। और जो कुकीज़ है ना शायद कोकोनट फ्लेवर है, चॉको चिप्स है, और बटर बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है, चाय के साथ बहुत अच्छा लगेगा।
कार्डियम टी, कार्डियम का फ्लेवर पूरा भरा पड़ा है इसमें, और जिसने बनाया ना हाथों का स्वाद उसका बहुत ही अच्छा है, चाय बहुत अच्छा है रियल में। और अगर कुछ दूसरा कुछ खाना ऑर्डर करते हैं तो देखते हैं, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा वो भी। गाइस अभी लैंडिंग का टाइम आ गया, अभी लैंड होने वाला है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। गाइस तो हम लोग अभी लैंड कर गए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे दिल्ली, और ये है एयर स्ट्रिप्स, और देखते हैं अभी उतरने का टाइम हो गया, अभी अनाउंसमेंट हो गया, सब कोई उतरेंगे एक एक करके, तो उतरने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसा लग रहा है। और जो जर्नी था वो बहुत ही सेफ था, और अच्छे से हम दोनों ने बहुत ही अच्छे से जर्नी कंप्लीट कर लिया अभी दिल्ली तक। अभी दिल्ली से और एक फ्लाइट है जो चंडीगढ़ तक हम लोग जाएंगे, उस फ्लाइट में जब बोर्ड होंगे तब मैं आपको बता दूंगा। गाइस तो अभी ये दिल्ली एयरपोर्ट है टर्मिनल 2, जहाँ पे जो शॉप्स होता है ना वो सब बहुत सारा शॉप्स है, और बेसिकली यहाँ पे फूड काउंटर तो भरा पड़ा है, जो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन अभी नहीं खाऊंगा क्योंकि थोड़ा टेंशन में हूँ, तो कुछ प्रॉब्लम होगा बाद में किसी दिन बताऊँगा। तो ये है सबवे, फिर गेट फूड ऑफ इंडिया, टेस्ट ऑफ इंडिया, उसके बाद गुज्जू, सब टाइप का यहाँ पर खाना पूरा अवेलेबल है। और ये सब शॉप्स है, बैगेज शॉप, कटलरी शॉप, फिर ये सनग्लासेस का शॉप, सनग्लास हार्ट जो है वो दिल्ली का, ये सब। और अभी मेरा जो टर्मिनल है वो गेट नंबर 20 है, तो इस मुझे नीचे जाना होगा, तो मैं सोच रहा था नीचे जाने से पहले थोड़ा घुमा के आपको दिखा दूँ। ये है ऑल कैफ्ट टॉय पोर्ट जो है, ये सब, ये है, और गेट नंबर 20 नीचे है उसका ब्लैक डॉग है, जिन लोगों को ड्रिंकिंग का शौक़ है ये शायद ये टैक्स फ्री वाला है, मालूम नहीं ये वही है कि दूसरा है, शायद ये है द क्लेरा, ये है। ठीक है, थोड़ा फूड शॉप के पास से भी चलते हैं, आपको थोड़ा दिखा लेते हैं फूड शॉप कैसा है। अगर कुछ ये तो बेस्ट है, यहाँ पे एक पतंजलि का भी है, ये है पतंजलि स्टोर, और यहाँ पे एक स्टोर ये पिज़्ज़ा हट का, ये का सबका है। मैं देखता हूँ अगर मेरा कुछ ऑफर में चलता है पिज़्ज़ा का, मैं एक बार पिज़्ज़ा ऑर्डर करके देखता हूँ, देखते बात करते। गाइस मैं इतना सारा शॉप देखा हूँ, इतना प्राइस है कि मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा। उसके बाद जो है जो टर्मिनल गेट नंबर 20 और 21 जो है, वहाँ पे एक है ग्रैब एंड फ्लाई, यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा चीज़ और सस्ता रेट में आपको मिल जाएगा 120 में। ठीक है, तो मैंने एक लिया है चिकन टिक्का सैंडविच मैंने एक लिया है, और आई होप वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो आप एक दिन के लिए काफ़ी होगा, अगर आप सेफली बजट करके अगर आप घूमना चाहते हो तो ये बहुत ही अच्छा है। मुझे उतना भूख नहीं लगा था, लेकिन इसीलिए मैंने जो है छोटा ले लिया आप लोगों को दिखाने के लिए। आप जो देते हैं गर्म करके, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है और कितना बड़ा है, कैसा टेस्ट है। सो गाइस ग्रैब एंड रन से मैंने लिया है चिकन टिक्का सैंडविच, जो मुझे पड़ा है 216 रुपीस का, कम है, कॉस्टली तो है लेकिन फिर भी क्या करें, खाना तो है ही, तो मैं आपको दिखा दूंगा। ये है, ये ग्रैब एंड रन का चिकन टिक्का सैंडविच, साइज में बड़ा है, दो जन के लिए काफ़ी है, अगर आप ज़्यादा भूखकर नहीं हो तो दो जन के लिए काफ़ी है, मेरे लिए तो काफ़ी है, तो मैं इतने में ही हो जाएगा, तो खा के देखते हैं और कैसा है। अच्छा है चिकन टिक्का, लेकिन वैसा नहीं है, चिकन पूरा स्मैश है, मतलब जैसे देख के लग रहा है कि बहुत दिन का है चिकन, और उसको जो है
कुछ फर्मेंटेड करके ज़्यादा दिन तक रखा हुआ है, इसीलिए टेस्ट उतना अच्छा भी नहीं है। लेकिन दूसरे जो काउंटर है उसके कंपैरिजन में बहुत ही सस्ता है। दूसरे में 300-400 रुपए करके एक एक सैंडविच का ले रहे हैं, तो लेते हैं। हाय गाइस, बोर्डिंग स्टार्ट हो गया तो मैं जा रहा हूँ। गेट नंबर 20 पे मेरा बोर्ड होने वाला है, जो फ्लाइट है वो बोर्ड होने वाला है। और ये है टर्मिनल, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। और वही सैंडविच ही खाया था जो हो गया, और थोड़ा बहुत नींद आ रहा है, सोच रहा हूँ फ्लाइट में जाके थोड़ा सो जाऊँ। देखते हैं, अगर इतना अच्छा लेग स्पेस इस यहाँ पे भी मिलता है तो मैं सो जाऊँगा। अभी हम लोग चंडीगढ़ एयरपोर्ट से निकल गए हैं। अभी मैं टैक्सी ले लिया हूँ और ये अभी जा रहे हैं हम लोग। अभी हम लोग एकदम डायरेक्ट जाएंगे एकदम होटल ये। और चंडीगढ़ एयरपोर्ट जो है ये एक एयरफोर्स का बेस है, इंडियन एयरफोर्स का, तो इसीलिए यहाँ पे कैमरा करना अलाउ नहीं था, बल्कि मैं कुछ कर नहीं पाया। तो बेसिकली यही है, एयरपोर्ट बहुत ही अच्छा है और छोटा सा है लेकिन बहुत ही अच्छा है।